स्त्री टू से याद आया, पवन सिंह जी याद आ गए। तो पवन सिंह स्त्री टू में धमाल करते हैं, फिर उसके बाद फिर राजकुमार राव के साथ तृप्ति ढिमरी के साथ चुम्मा करते हैं। क्या लग रहा है पवन सिंह का? बहुत अच्छी बात है अपनी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में, चलिए इतने बड़े बड़े गाने हो रहे हैं और हमारे यहाँ के स्टार जाके वहाँ पे गा रहे हैं और गाने चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये अपने इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। पवन सिंह अब हाथ आएंगे आर्या शर्मा के? क्यों नहीं आएंगे, गाना करना हो तो बिल्कुल करेंगे हम, ऐसा कुछ है नहीं। पवन सिंह का क्या लग रहा है भोजपुरी से? ऐसे खबरें आ रही है जैसे अब सही है गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें भी जो सुनी सुनाई बातों से ही पता चलता है, और आप ज़्यादा क्लोजनेस है म्यूजिक इंडस्ट्री से, आपको हर स्टार के साथ उठना बैठना है। ऐसी खबरें हैं कि पवन सिंह अब भोजपुरी के गाने कुछ कम करेंगे, बॉलीवुड की तरफ मूव आउट करेंगे, पवन सिंह अब का जो ऑरा है वो बॉलीवुड में बड़ा करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, वो सभी लोगों के साथ में होता है, सभी लोग इंडस्ट्री में यहाँ आगे बढ़ने के लिए आए हैं, और किसको पसंद नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ। तो जाहिर सी बात है बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो टाइम ही मैटर करता है ना। अब आप इंडिविजुअल हैं, दो लोग नहीं हो सकते, कोई सिंगर है वो भी इंडिविजुअल है, म्यूजिशियन 50 हो जाएंगे क्योंकि हम नहीं कोई और बना देगा। बट जहाँ गाने की बात है वही आदमी चाहिए। आज शिल्पी को गाना है तो शिल्पी का आवाज़ कोई और तो नहीं गा रहा है, वो शिल्पी ही चाहिए। तो वही बात होती है, अगर इंसान उसमें बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कम तो होगा ही प्रोजेक्ट। पवन सिंह का कोई प्रोजेक्ट जो आपका लाइनअप हो या फिर आने वाले हो या फिर आपने? फिलहाल ऐसा कोई नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई नहीं है, आगे रहेगा तो मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा। खेसारी जी का? हाँ, खेसारी भैया के साथ छठ आने वाला है, अच्छा अच्छा गाने हैं, और उसके बाद लोकगीत का भी है कुछ बवाल। कैसा बवाल जी? तगड़ा वाला बवाल रहेगा सुन के मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए शुरुआत इस साल का मैंने गाने से हो गया दिया था अपने बेस्ट नींबू खरबूजा भाई, एंड आप दे रहे हो एंड दे रहे हो, एंड भी दूंगा, शुरुआत किया हूँ तो अंत भी मेरे ही करना बनता है इस साल को, अगले साल का अगले साल देखा जाएगा। उसके बाद तमाम मेरे गाने हिट हुए, चाहे वो कल्लू जी के हो गए, चाहे वगैरह वगैरह और भी गाने थे। उसके बाद बैक टू बैक आपने काफ़ी सारे गाने सुने, तो कुछ और भी बेहतर सुनने को मिलेगा, बस इंतजार कीजिए। फैंस मिलेगा इतना तो समझिए, कुछ बेहतरीन मिलेगा, तगड़ा मिलेगा। फैंस से क्या कहिए? फैंस मेरे जितने लोग हैं बहुत प्यार देते हैं, और आपके आप लोग के अलावा मेरे मतलब नहीं लगता कि मेरे जीवन में और इतना प्यार किसी से मिलता है, क्योंकि आप लोग जितने भी गाने जाते हैं उसको दबा के शेयर करते हैं, दबा के हाईलाइट करते हैं और अच्छे एक पोजीशन पे ले जाते हैं। आप लोग सुनते हैं तभी हम लोग बनाने में भी मज़ा आता है, तो बस ऐसे ही दबा के सुनते रहिए। और कोई भी न्यूज़ कोई भी चीज़ें होती हैं, मैं किसी को, मेरी एक आदत है मैं कभी वो ना इधर और उधर की बातें नहीं करता, जो परफेक्ट है मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आता, बिल्कुल भी शर्म नहीं आता। ठीक, तो इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी दिन बाद ऐसी चीज़ें मैंने बोला है, और जो परफेक्ट है उसमें मुझे नहीं लगता मुझे या किसी को बोलने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार से बात दीजिए और मचा के गाने सुनिए। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको अगर ये इंटरव्यू कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।